मानेसर के गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर एक स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है, इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं, बल्कि एक समस्या आ गई है आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में 2500 रुपया महीना किसी प्रदेश में नहीं है, हमारे पड़ोसी प्रदेशों में चाहे वो पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे, बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है अर्थात लगभग 29 लाख है। ऐसे ही 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं, लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है, 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था, अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। मित्रों जितनी ये योजनाएं बनाई गई हैं इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर ये परिवार पहचान के साथ लगभग 59 ऐसी जो सेवाएं हैं जो लोगों को मिलती हैं घर बैठे मिलती हैं उनको इनके साथ जोड़ दिया है। अब उन योजनाओं के लिए आपको केवल सरल केंद्र पर जाना है और सरल केंद्र पर अपने आप अपनी एप्लीकेशन वहां दे देंगे तो घर बैठे उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे राशन कार्ड है, बीपीएल के राशन कार्ड के लिए पहले दलदल घूमना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, हमारा पीला कार्ड बनवा दो। अभी जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है और जिनके कार्ड पीले नहीं बने हुए हैं अब अगले कुछ महीनों में उनके घर वो कार्ड पहुंच जाएगा, 2 जिलों में तो पहुंचाए जा चुके हैं, लगभग 40,000 के आसपास कार्ड ये पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिला में और 45-46,000 कार्ड ये सिरसा जिला में, बाकी जिलों में शुरू करने वाले हैं।